हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशबू आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की टेस्टी सी सब्जी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी अरबी की सब्जी की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो अरबी लिए हैं, जिनको दो विसल लगा के बॉईल करके और इनको मैं छील ले रही हूँ यहाँ पे। और छीलने के बाद इनको कर लेंगे हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल के थोड़ा सा फ्राई। तो सारी अरबियों को इस तरीके से छील लेना है और फिर एक कढ़ाई के अंदर लेना है हमने ऑयल। ऑयल आप अगर चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, मतलब डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ दो बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं और उसके अंदर डाल के इसको कर लूँगी फ्राई। लगभग 5 मिनट हमें इनको ऐसे चलाते हुए पका लेना है। अगर हम डीप फ्राई करेंगे तो ये नीचे लगेंगी नहीं अरबियाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि ऑयल कम लिया है तो नीचे हल्का हल्का लगता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम इसी पैन में तड़का लगाएंगे और सब्जी बनाएंगे तो ये सारा जो अरबी हमारा चिपक गया है ये वापस से सब्जी के अंदर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सारी अरबियों को हमने एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेना है तेल सेपरेट करते हुए, और फिर उसके बाद इस कढ़ाई के अंदर मैं करूँगी सब्जी का तड़का रेडी। जब अरबी हमारी ठंडी हो जाएंगी तो हम इनको किसी भी शेप का काट सकते हैं। मैं इनको इस तरीके से गोल गोल ही काट रही हूँ, मुझे ये इस शेप में ही ठीक लगते हैं। आप चाहो तो बीच में से इनको जैसे हम आलू काटते हैं उस तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी अरबियों को इस तरीके से कट कर लिया है और अब चलते हैं अपना तड़का लगाने के प्रोसेस में। इनको रख देती हूँ मैं साइड पे। सेम पैन जो हमने लिया था उसको हल्का सा गर्म कर लिया है और उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है पहले, और दो बड़े साइज़ के प्याजों को बारीक कट करके वो इसके अंदर डाल दिया है। अब ये लग रहा है ना कि नीचे ये सब्जी जली भी आ रही है और ये देखने में बेकार लग रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे ही हम सब्जी हमारी का तड़का बन के रेडी होगा और ये काफ़ी अच्छे से उसी के अंदर छूट के मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है अजवाइन और एक चम्मच नमक। अजवाइन का फ्लेवर जो अरबी है उसके अंदर काफ़ी अच्छा आता है और उससे उस हमें अरबी की जो सब्जी है उससे गैस्ट्रिक वगैरह भी नहीं होती है, तो ये इसलिए इसके अंदर कंपलसरी मैं डालती हूँ। 1 मिनट तक प्याज को पका लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ लगभग 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी बाकी के मसाले। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अब फ्राई कर ले रही हूँ इसको भी। अगर मैं पहले प्याज के साथ ऐड करती हूँ तो वो थोड़ा छिटकता है, इसलिए मैं यहाँ पर हल्दी ऐड करने के बाद उसको ऐड करती हूँ। बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च क्योंकि बहुत ही तीखा है तो इसलिए मैं आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा सकते हैं। ऐड किया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बाद ऐड किया है इसके अंदर मूंगफली का दरदरा कुटा हुआ पाउडर 1 चम्मच, और इसके बाद इसके अंदर मैंने जो बारीक अरबी काट के रखी थी अपनी उनको ऐड कर ले रही हूँ। इस तरीके से चला के मसाला काफ़ी अच्छे से इस पर लिपट जाए, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा सब्जी मसाला, जिससे कि इसका जायका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, क्योंकि मैं सब्जी रात को बना रही थी तो रात को मैं यहाँ पर दही नहीं ऐड करती हूँ। यहाँ पे अगर आप सुबह बना रहे हो तो आप यहाँ पे पानी की जगह पे 1 कटोरी दही, जिसको फेंट के और गैस को बंद करके उस टाइम पे डाल के और मिक्स करके फिर इसको गैस का फ्लेम ऑन कर सकते हो और इसको पका सकते हो लगभग 4-5 मिनट के लिए। लेकिन क्योंकि मैं रात को बना रही थी तो मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी का ऐड किया है और लगभग इसको 4 से 5 मिनट पानी के साथ पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी सब्जी बन के रेडी है। इसको फिर से ढक के पकाऊंगी 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद इसके निकाल के ढक्कन को साइड पे और इसके अंदर ऐड करूंगी कसूरी मेथी। सब्जी हमारी फ्रेंड्स बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत ही सिंपल और टेस्टी सब्जी है।
घर में तो मैं इसी तरीके से डेली की सब्जी जब अरबी की बनानी होती है तो इस तरीके से बनाती हूँ, और देखने में कितनी लाजवाब लग रही है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।